तो यार अभी फिर से इसको कवर हटाते हैं अपने बाइक का और निकालते हैं। अभी बहुत अर्जेंट में निकलना पड़ रहा है मेरे को, मतलब ऐसे भी कुछ नहीं था एकदम, मेरे को अचानक से मन किया कि यार थोड़ा सा राइड वाइड करके आ जाओ, तो उसी के लिए अभी निकल रहे हैं। बाइक पे हम ब्लॉग नहीं कर पा रहे हैं। तो यार देखो 6:43 PM हो रहा है अभी, तो ऑलमोस्ट अराउंड 7 बज रहा है, तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है अभी। तो ओके यार थोड़ा चलते हैं। एंड मेरे को थोड़ा सा अपने हेलमेट का जो ग्लास है ना पूरा ब्लैक है, तो उसको चेंज कराना है मेरे को, उसको कराना है मेरे को, स्मोक वाइज़र में डालना है। क्योंकि यार रात का जब राइड करते हैं ना, या फिर कभी सुबह 4 बजे 5 बजे निकलते हैं और हाईवे पे रहते हैं, तो यार कुछ दिखता नहीं है मेरे को। तो यार इसको मेरे को चेंज कराना है, क्योंकि यार ऐसे भी जब राइड वाइड पर निकलते हैं एंड अभी भी शाम का टाइम में है, तो अभी इसका मैं ग्लास अगर बंद कर दूँगा तो कुछ मेरे को दिखाई देने वाला है नहीं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है यार। तो सोच रहे यार इसको चेंज करवा ले। एंड आज थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है कि राइडर्स का लड़ी खुला होगा कि नहीं खुला होगा, क्योंकि यार देखो एक तो रमज़ान का मंथ चल रहा है और ऊपर से आज फ्राइडे है, तो बहुत मेरे को डाउट हो रहा है कि आज खुला होगा नहीं खुला होगा। बट फिर भी आज वो एक बार राउंड मार के आते हैं वहाँ से। बस यार ये मेरा लग जाए ना, तो मेरा मतलब जो भी संडे का जो राइड होता है तो वो सॉर्टेड हो जाएगा मेरा। अगर मैं देखो यार मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा 2-3 ब्लॉग्स आप लोग देख रहे होंगे कि मैं मतलब सुबह सुबह इतना ज़्यादा सुबह निकलता हूँ कि तब अंधेरा रहता है, तो उस टाइम पे ये ग्लास बंद करना पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि मैं चला नहीं पाता हूँ यार, पूरा ही ब्लैक है। जो स्मोक वाइज़र है ना वो क्या होता है ना, आपको मतलब रात में भी बहुत अच्छा व्यू देगा, दिन में भी बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू देगा, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ से लेंगे राइट अभी। और इस संडे यार पता नहीं कहाँ जाऊँगा यार, कोई अभी तक प्लान कुछ बना नहीं है। लास्ट संडे यार पतरातू गए थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था यार वहाँ पे मतलब राइड करने में। एंड ये बाइक को फर्स्ट टाइम लेके गए थे वहाँ पे रांची की तरफ से भी। यार जो बंदा लोग जो मिलता है ना, मेरे भाई लोग जो मिलते हैं ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार वो लोग से भी मिल के। एंड यार इसकी हेडलाइट, ओ माई गॉड, अपाचे आ रहा 310 ऐसी बाइक है ना यार, आप कभी बोर नहीं होगे इसको राइड करके। यार मैं तो नहीं हुआ, मैं तो इसको कब से चला रहा हूँ अभी तक ऐसा कभी भी नहीं लगा। हाईवे में भी इतना देर मैं चलाते रहता हूँ तो कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि यार इसको रोक दे थोड़ा देर रेस्ट कर ले, कुछ ऐसा लगता ही नहीं है। मन करता है बस चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, रोकने का मन ही नहीं करता है। और ये जो परफॉर्मेंस के लिए जो बनाया गया है ना, परफॉर्मेंस बिल्ड बाइक है ये यार, कितना ही ज़्यादा औसम परफॉर्म करता है यार ये। जब मैं रांची से आ रहा था इतना भगा भगा के मैं आया यार, कहीं पे भी ये बाइक मेरे को धोखा नहीं दिया है। एंड इतना गजब का जो परफॉर्म कर रहा था ना, मतलब मानना पड़ेगा यार TVS वाले को, इंडियन कंपनी को मेरे को मानना पड़ेगा यार, क्या ही बाइक बना दिया है यार ये 310, वाह गजब। इसके कंपैरिजन में दूसरे कोई बाइक मेरे को एकदम भी पसंद नहीं है यार, मतलब मैं 50 बार भी ये बाइक को मैं ले सकता हूँ आराम से आँख बंद करके, मेरे को बहुत ज़्यादा भरोसा है इस पर। एंड इसका जो बैलेंस है, इसका जो ब्रेक्स है, इसका जो फीचर्स है, आपको कोई भी 300 CC बाइक आप उठा के देख लो मार्केट में जो भी है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है इतना ज़्यादा फीचर्स। मिसलिन का रोड 5 बाय डिफ़ॉल्ट इस बाइक में देता है, तो आप कोई भी बाइक उठा के देख लो। इनफैक्ट BMW में भी आप देखोगे तो मिसलिन का रोड 4 दिया है इससे पुराने वाले मॉडल में जो आपका दिया था, बट रोड 5 इसमें दिया है, अपाचे में दिया है TVS में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है यार, अगर आप राइड कर रहे हो कहीं पे भी तो आपको एट द एंड आपको क्या बचाएगा, आपको ब्रेक बचाएगा एंड आपको टायर बचाएगा आपको, अगर एक्सीडेंट होने वाला है तो। अगर वही आपका अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा कि इतना ज़्यादा पैसा लगा के भी आपको अच्छा चीज़ नहीं मिला। माई गॉड, जितना बार भी इसको राइड करो ना यार, लगता है कि एकदम अभी अभी शोरूम से उतरा है। एंड एकदम वही का वही जोश, एकदम मतलब फर्स्ट टाइम जो चलाने के बाद जो बोलेगा ना इंसान, वही का वही जोश इसका हर बार आपको मिलने वाला, आप जितना भी राइड करो। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार अपाचे चलाने में, मतलब इंस्टेंट पिकअप आपको जो मिलता है
मैं यहाँ से ओवरटेक कर सकता हूँ, यहाँ से भले गाड़ी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मतलब इतना सा भी गैप में अगर आपको ओवरटेक करना है तो ये बाइक मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ वहाँ से मैं निकल जाऊँगा। तो ये भाई TVS का रोल। अब देखना ये है कि राइडर्स गैलरी खुला है कि नहीं खुला है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा डाउट है, ऊपर से फ्राइडे भी है ना आज, तो मेरे को तो लग रहा है शायद बंद होगा। बंद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मुड़ा के वापस चल जाएंगे, कल आएंगे फिर। बट इसका ग्लास चेंज कराना मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा काम है मेरा राइडिंग जैकेट बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो उसको अभी तक मैं दिया नहीं हूँ ड्राई क्लीनिंग के लिए, अभी याद नहीं पड़ता है। तो संडे को अगर होगा तो कहीं आसपास ही शॉर्ट राइड ही करेंगे, इससे ज़्यादा दूर जाएंगे नहीं। बट फर्स्ट क्या है ना, हेलमेट का ग्लास ठीक रहेगा ना। देखो ये जो ब्लैक ग्लास होता है ना, आपको धूप में बहुत ज़्यादा मदद करेगा बचाने के लिए। बट अगर आप 4 बजे 5 बजे अगर राइड कर रहे हो, जो अंधेरा का माहौल है, जैसे अभी भी जैसे शाम का टाइम है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत देने वाला है ये सब चीज़। आप ग्लास डाउन करके आप चला नहीं पाओगे। अभी देखो मैं अभी चलाऊंगा ना, मेरे कुछ नहीं आगे दिखाई देगा वैसा, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। फेस्टिवल का टाइम में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार, चाहे कोई किसी का भी फेस्टिवल हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार, क्योंकि ना बहुत अच्छा अच्छा चीज़ देखने को मिलता है रोड पे। यार फेस्टिवल है, लोग अपना त्यौहार मना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार। ऊपर से छुट्टी भी मिलता है यार, बहुत मज़ा आता है, सच बात है यार। वाओ, ज़्यादा हैंडल नहीं छोड़ना है यार, इतना बड़े स्टंटमैन नहीं हूँ मैं यार। ओ खुला है, ये देखो राइडर्स गैलरी खुला है। ओहो थैंक यू सो मच, मेरे को आज मिल जाएगा इसका ग्लास। तो ये रहा राइडर्स गैलरी। ओहो स्मोक वाइजर चाहिए भाई इसका, मिल जाएगा ना, लगा दो यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। बहुत सारा कलेक्शन है यहाँ पे, देख सकते हो आप हेलमेट का, स्टार्टिंग से आप देख सकते हो। फुल फेस हेलमेट यहाँ पे सारे महंगे वाले हैं, यहाँ पे सारे हाफ कट वाले हैं, सारा आप ले सकते हैं यहाँ से। एक्सर का रेसिंग बूट, नी गार्ड, आपको सारा चीज़ यहाँ पे मिल जा रहा है। हाँ सूट चाहिए, नी गार्ड चाहिए, काका चाहिए, जिसको जो चाहिए यहीं से आके लो, राइडर्स गैलरी मांगो, बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेस है, मैं यहीं से शॉपिंग करता हूँ। राइडिंग जैकेट है, सारा चीज़ है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, पहले अभी मैं ग्लास चेंज करा लेता हूँ। गाइस अभी चेंज हो रही है मेरी, ये ग्लास, ये पुराना ग्लास है, थोड़ा ब्लैक वाला है, एंड अभी लग चुका है स्मोक वाइज़र इसमें, देख सकते हो यार, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मेरे को रात में राइडिंग करने में। और राइडिंग जैकेट आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो DSG, अब देखो इसको हटाओ, इसको हटाओ। वैसे आपको ब्लैक दिख रहा होगा, बट दिन में बहुत अच्छा दिखता है, रात में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है ये। और हेलमेट कलेक्शन देख लो यार, बैटमैन, जोकर, एक्सोर का नया एपेक्स टिप्पी, सारा चीज़ है यहाँ पे, ग्लव्स है, सब चीज़ें। चेकआउट कर सकते हो आप यहाँ पे आके, राइडर्स गैलरी 70 नंबर रोड में है, मैं एड्रेस यहाँ पे दे दूँगा आपको। तो यार अभी लग चुका है मेरे में स्मोक वाइज़र, और लगा है कहाँ से, राइडर्स गैलरी से। अभी मेरे को पूरा अच्छा व्यू मिलने वाला है, राइडर्स गैलरी है यहाँ पे, देख लेना, 70 नंबर रोड में, आजाद बस्ती में, बहुत ज़्यादा अच्छा दुकान है। यहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, MT का हेलमेट, राइनोक्स, राइडिंग गियर का हर एक चीज़ आपको मिल जाने वाला है यहाँ पे। चलो यार अच्छा हो गया, मेरे को एक बार व्यू चेक करना। हाँ अब मज़ा आ रहा है। अब इतना है कि यार रात में लेके कभी भी रात का भी राइडिंग हुआ ना, मैं लेकर चल जाऊंगा, तो इसी बहाने अभी मैं जाऊंगा अभी हाईवे तरफ, सीधा सा बात, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है अभी हाईवे में राइड करने का, इतना में तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ से आगे से क्या है ना, हाईवे निकल जाता है, कोई भी चांसेस नहीं इसमें स्क्रैच लगने का। जो मेरा पहले वाला था मर्करी ग्लास था, ब्लैक वाला फुल, उसमें क्या हुआ ना, इतना ज़्यादा स्क्रैच लग गया है ना कि मतलब अब दिखता नहीं है आँख से, मतलब ठीक से, जहाँ मतलब व्यू है ना वहाँ पर, मतलब इतना बड़ा बड़ा स्क्रैच लगा हुआ है, तो वो क्या होता है ना, व्यू को पूरा काट देता है। और अभी मैं लूँगा DSG के राइडिंग गियर्स, पूरा पैंट लूँगा, राइडिंग जैकेट भी लूँगा और ग्लव्स भी लूँगा, हो सके तो कल ही ले लूँगा आके। पता नहीं मैं ब्लॉग बनाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मैं कार से आऊँगा लेने के लिए, क्योंकि यार उतना ज़्यादा चीज़ है,
तो बाइक से पॉसिबल नहीं है लेके जाना, एंड वहाँ पे पहनना फिर जाना तो यार कोई मतलब बनता नहीं है। ऊपर से इतना ज़्यादा गर्मी जमशेदपुर में, आपको मैं बता रहा हूँ यार, ये रजवाड़ा पैलेस इतना ज़्यादा गर्मी है ना यार जमशेदपुर में, मतलब ना फट जा रहा है लिटरली, आप लोगों को बता रहा हूँ यार, 42 डिग्री शाम में रह रहा है। और यहाँ पे मैं हाईवे आ चुका हूँ, कैसे लेफ्ट लेके एन एच 33 और राइट में आ जाता है आपका कोलकाता हाईवे डिमनाथ से होके, तो वहाँ नहीं जाएंगे, एक बार हाईवे का राउंड मारते थे यार, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। बहुत अच्छा होटल है यार, मैं बहुत बचपन से यहाँ पे आना जाना मेरा लगा हुआ है। तो ये प्रॉपर हाईवे है, एंड इसका मैं हाईवे का भी आपको रिव्यू बता रहा हूँ, ये वाले ग्लास का देख लो यार, पूरा प्रॉपर हाईवे, 7 बज रहा है आप लोग देख लो, पूरा अंधेरा है एंड विजिबिलिटी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं ट्रांसपेरेंट ग्लास के कंपैरिजन नहीं करूँगा इसको, क्योंकि यार वो गलत होगा, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूँ 20% विजिबिलिटी आपका चला जा रहा है इसमें भी, बट बहुत ज़्यादा बेटर है वो फुल टिंटेड ब्लैक से। और ये काली मंदिर है यहाँ पे, जय माता दी, यहाँ निकल जाता है डिमना एंड पटमडा वाला रोड मेरे राइट में, ऐसा हॉर्न मारता है यार कि ये लोग, ओहो हट जा काके। इस साइड मेरे को मिल रहा है व्यू, बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है मेरे को इस वाले वाइजर में चलाने में, पुराने वाले वाइजर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। आपको बेशक वो बचाता है धूप से, आपके आँख में नहीं लगने देता है, बट हर टाइम तो आप धूप में नहीं घूम रहे हो ना, कभी कभी आप रात में भी राइड करते हो और सूरज ढलने के बाद भी आप राइड करते हो, तो उसमें आपको ज़रूरत होता है ऐसा वाला वाइज़र, ट्रांसपेरेंट वाइज़र या फिर ऐसा वाला। मैं तो बोलता हूँ यार स्मोक वाइज़र लो, काम फिनिश करो यार, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये ना। मेरे को सोलो राइड करना है यार, क्योंकि मैं ना ग्रुप में एकदम मेरे को पसंद नहीं है राइड करना, भले वो एक ही बंदा हो बट मेरे को नहीं पसंद है यार, मेरे को अकेले बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो लोग के लिए रुको वेट करो मेरे से वो चीज़ नहीं होता है यार। मैं चलाता हूँ यार अच्छा खासा स्पीड में, हाईवे में आके मैं पागल थोड़ा सा हो जाता हूँ, पता नहीं है मेरे अंदर थोड़ा सा।